तो देश प्रदेश हर जगह दीपावली की खुशियों में हर कोई फिलहाल सराबोर है। और अब हम सीधे रुख करेंगे हमारी संवाददाता बरखा मिश्रा का, जो इस वक्त बजाज नगर में मौजूद हैं। बरखा, शाम हो चुकी है, लक्ष्मी पूजन की तैयारियां लोग इस वक्त कर रहे होंगे, क्या कुछ विशेष तैयारियां इस बार की गई हैं? जी बिल्कुल, आज दीपावली का त्यौहार है और हम कह सकते हैं कि पूरे जयपुर में, पूरी गुलाबी नगरी में आज रंगीन माहौल देखा जा रहा है। हर कोई अपने अपने घरों में दीपक जलाकर खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ लक्ष्मी माँ को अपने घर में विराजमान करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाज नगर में, एक परिवार के साथ मौजूद हैं हम लोग उनके साथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीपावली पूजन की जा रही है। यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है यहाँ पे, और पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर साथ में बैठा हुआ है, जो कि दीपकों को जलाकर और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इनको रोशन कर रहा है और साथ ही साथ कामना कर रहा है कि वो यहाँ पर उनके घर में इस साल, आने वाले साल के लिए खुशमय हो, आने वाला साल खुशमय हो और स्वस्थ हो। साथ ही साथ पूरे अपने लोगों के साथ साथ में पूरे जो देश है, समाज है, उन सब के लिए भी ये एक सुखमय जीवन के लिए यहाँ पे आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ से सीधे की किस तरीके से पूरा परिवार अपने पूजा में बैठा हुआ है यहाँ पर, और फुलझड़ी जला के उन्होंने आज इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, अभी से इनमें ये क्रेज देखा जा रहा है। उन्हीं से बात करते हैं कि और किस तरीके से खास ये बनाएंगे, आपसे बात करेंगे। दीपावली का त्यौहार है और पूरे परिवार के साथ आप मौजूद हैं यहाँ पर, इस वक्त देख रहे हैं कि फुलझड़ी जला के, तो क्या और खास करने वाले हैं? अभी हम सब गैदर हुए हैं, हम सब बाहर रहते हैं, अलग पढ़ते हैं, तो दिवाली के दिन ही हम लोग सब साथ में मनाते हैं, तो अच्छा लगता है सब साथ में। दादी भी होती हैं, ताऊ जी ताई जी हैं, मम्मा पापा, सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ। आपसे बात करेंगे कि आज दीपावली पूजन है, आपने क्या, आप पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं यहाँ पर आप, तो और क्या खास करेंगे? हम इस बार कोशिश करेंगे कम से कम पटाखे चलाने की, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे अब की बार, और वही सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, सबको दीपावली पे ही मौका मिलता है, सबको, सब बाहर रहते हैं पढ़ाई के चक्कर में, सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक खुशी का माहौल रहता है और पटाखे चला के हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार हम थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे उसे। यहाँ पर आप सब लोग बाहर रहते हैं अधिकतर और आज अपनी पूरे परिवार के साथ में यहाँ दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, तो और क्या खास आप लोगों ने प्लान किया है यहाँ पर, कि और क्या, किस तरीके से इस दिन के लिए आप मनाएंगे? अभी हमारे फैमिली के और भी मेंबर्स आने वाले हैं और फिर सब हम सब लोग साथ में मिलके खूब मस्ती करने वाले हैं और रोशनी देखने जाएंगे, खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और सबके साथ दिवाली मनाएंगे, दादा दादी ताऊजी ताईजी सब लोग। तो ये तो थे, ये जो युवा हैं उनसे पता चल रहा है कि ये किस तरीके से यहाँ पे दिवाली मनाए रहेंगे, पटाखे चलाने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। लेकिन अब हम बात करते हैं इस त्यौहार के कि इस त्यौहार को आखिर मनाया क्यों जाता है, ऐसी क्या कहानी है इसके पीछे कि ये त्यौहार मनाए जाते हैं, घर में दीपक रोशन है और साथ साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चमक रहे हैं, इन चमक के पीछे की आखिर की कहानी क्या है वो हमको इस घर की सबसे जो बड़ी सदस्य हैं वो बताएंगी। हम उन्हीं से पूछते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार हम दिवाली क्यों मनाते हैं, क्या खास, क्या कथा है इसके पीछे की? अच्छा, रामचंद्र भगवान जब वन में गए हुए थे तो वहाँ से आए थे, वहाँ से जीत करके और जब अपने देश में आए थे, अयोध्या में आए, और दिवाली में जब सब लोगों ने उसकी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया और खूब है ना, जो दीप जलाए और सबने दीप की पूजा करी और सबने खुशियां मनाई, पटाखे चलाए और सब खुशियां से सब परिवार के साथ अपनी पूजा की। ये राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए हर समाज में अपने जो वादे हैं उनको लेकर हमेशा एक महत्वपूर्ण महत्व रही है। आज के टाइम की बात करते हैं, पहले दिवाली का महत्व खुशी के लिए हुआ करता था, आज की बात करते हैं तो किस तरीके के बदलाव की बात करेंगे? सबसे पहले बात तो यह है कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सफाई के लिए अभियान चलाया, साफ सफाई, और बहुत बढ़िया, और देश के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो हम देश के लिए संकल्प लें और देश के लिए कोई अच्छा कार्य, स्वच्छता प्लस जो भी है भ्रष्टाचार निवारण है, और जो हमारे नेता लोग, जो अच्छे नेता हैं,
वो जो बात कहते हैं उसको हमको फॉलो करके और पूरे देश में उसको फैलाना, ये दिवाली के लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए। बात करते हैं कि किस तरीके की स्वस्थमय दिवाली है, खुशहाली दिवाली का टाइम है यहाँ पर, और किस तरीके की दिवाली को आप यहाँ पर आज के टाइम पे मानती हैं कि किस तरीके की दिवाली होनी चाहिए। दिवाली हमारे पूरे परिवार की खुशियाँ लेके आती है और इसमें हर तरह का हम उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। घर में पकवान से लेके नई नई ड्रेसेस बच्चों के लिए और सबके लिए करते हैं, और देश में भी इसी तरह का माहौल रहे, सब तरह का वो खुशहाली हो, हमारे जो स्वच्छता का है, स्वास्थ्य का है, सभी तरह के प्रोग्राम्स अच्छे से चले, यही मेरी इच्छा है। जी।